बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज आपके लिए अपना जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है वाडा टाउन ए टू ब्लॉक में, उसकी अपडेट लेके आए हैं। माशाल्लाह जी, तीनों लेंटर डाल चुके हैं और लेंटर जो है वो खुल भी चुके हैं। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो प्लस्तर का काम शुरू किया जाएगा। तो अभी तक जो इसमें जो है वो सेंट्री वगैरह का और बिजली का जो काम है वो जारी है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक जो ढांचे के ऊपर जो है वो टोटल कितना खर्चा आया है और आगे जो है वो मज़ीद कितना खर्चा आएगा। तो इससे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसके ऊपर अगर टोटल खर्चे की बात की जाए तो वो तकरीबन 65 लाख रुपया जो खर्चा है इस वक्त तक आ चुका है। तो अभी इसमें आप समझ लें कि सेंट्री का काम जो है ना वो बाकी है, यानी उसके पाइप वगैरह जो है वो अभी आने हैं, तो उसके बाद ही जो है ना इसकी जो प्लस्तर का काम है वो शुरू किया जाएगा। बिजली का काम जो है वो तकरीबन हो चुका है, बिजली वालों ने पाइप वगैरह इसमें डाल दी हैं। तो सेंट्री का जो काम है वो भी इंशाल्लाह सामान जो है तकरीबन आज या कल आ जाएगा, तो उसके बाद जो है ना उसको शुरू करेंगे। तो सेंट्री के बाद पाइप डालने के बाद जो है ना वो प्लस्तर का काम शुरू होगा। पाइप जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1,10,000 रुपये का जो है सामान आया PPRC का, पानी वाली जो वायरिंग है उसका। तो इसमें बिजली का मीटर भी जो है वो हमने लगा लिया है। बिजली का मीटर जो है वो तकरीबन 1,70,000 रुपये का लगा है, 3 फेस मीटर लगवाया गया इसमें। तो इंशाल्लाह भाई प्लस्तर के बाद जो है वो पूरे ग्रे स्ट्रक्चर का जो है ना खर्चा हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दो से तीन हफ्ते तक जो है ना वो प्लस्तर का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें ग्रिलें भी आ चुकी हैं, ग्रिलें भी तकरीबन हमारी 1,35,000 की ग्रिलें आई हैं टोटल, ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन की। तो ये जो अभी मैंने आपको 65 लाख रुपया बताया, इसमें ग्रिलों का जो है ना वो बिल शामिल है, बाकी पानी की जो वायरिंग है उसका नहीं है। तो वो भी इंशाल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ काम होगा तो वो भी हम आपको मज़ीद इसकी जो है ना डिटेल देते जाएँगे। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में हम आपको ग्रे स्ट्रक्चर का जो टोटल खर्चा है वो बताएंगे कि उसके ऊपर जो है ना टोटल कितना खर्चा आया है, और ये जो कमरे हैं इनकी फॉर्मेशन वगैरह जो हैं वो क्या हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो के एंड पे जी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।